नमस्ते भारत, कैसे हैं आप सब। मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube की एक और नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब सही होंगे। आप सबको हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का ब्लॉग आगे बढ़ाते हैं सूर्यांश के साथ। सूर्यांश बोलो हनुमान जयंती। हैप्पी हनुमान जयंती। हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। उसी के साथ आज का ब्लॉग आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं आपको आज के पूरे दिन की दिनचर्या। आज सुबह का हमने ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि आज हम चिड़ियों की कॉलोनी थी उसकी सफाई कर रहे थे, जिसमें से चार बच्चे जो पहले ही निकल आए थे उसमें उनके थोड़े थोड़े पंख आ गए हैं। बाकी एक मटकी में और एक चिड़िया ने अंडे रखे हैं, दिखाते हैं आपको। चलिए जयंती है और घर में हनुमान जयंती की बहुत जोरों शोरों से तैयारी है। पूरा मंदिर की सफाई हमारी प्रीति ने करी है और देखिए हमारी आज प्रीति का टीका। प्रीति भी सुंदर लग रही प्रीति के टीका देखिए आज प्रीति भी सुंदर लग रही है। हालांकि टीका तो हमने भी लगाया है लेकिन पता कहे चलेगा कि ये बाबा की बेटी है। तो बाबा की बेटी के लिए कुछ लगना भी तो चाहिए, इसलिए ये बाबा की बेटी है। और बाकी मैं बताता हूँ और एक ये मैं बताता हूँ आपको। नहीं नहीं, टीका वगैरह किसी का नहीं लगा, सिर्फ बाबा की बेटी ने ही अपना टीका लगाया है। और जब बाबा टीका लगाएंगे तो बेटी को नहीं लगाएगी। ये है प्रीति के पिताजी। जब पिताजी ने भी टीका लगा रखा है तो बेटी ने क्यों नहीं लगाएगी। मेरा टीका अच्छे से। हाँ तो देखा आपने, इसलिए कहते हैं हम बाबा की बेटी। सूर्यांश ने भी टीका लगाया हुआ है। आज हनुमान जयंती के दिन हमारा सूर्यांश भी रेडी है। हमारा सूर्यांश भी रेडी है। सूर्यांश हैप्पी हनुमान जयंती बोलो। हैप्पी हनुमान जी। भगवान जी हनुमान जी की जन्मदिन है आज। हनुमान जी का आज जन्मदिन है ना। हेलो गाइस, चलो शाम को जाएंगे हम मंदिर में और दिखाएंगे आपको मंदिर के दर्शन कराएंगे, टॉप क्लास दर्शन। हमारी चिड़िया, हमारा चिड़वा, हमारा कौआ, सॉरी सॉरी। तो इस वाले में है एक अंडा, इसमें भी चिड़िया बैठने लगी है आपको दिख रहा है। और इसमें है लास्ट वाले में, इस वाले लास्ट वाले में है चार बच्चे। देखिए इसमें भी चिड़िया बैठने लगी, कुछ दिनों बाद इसमें भी अंडे आएंगे। बाकी आज मोहित ने पूरे की सफाई कर दी है, देखा आपने। ये देखो ये देखो ये देखो कितना गंदा पड़ा था, बाकी सब साफ़ हो गया है लेकिन एक दिन में ही उनने वापस से गंदा कर दिया। और बाकी कुछ दिनों बाद इसमें अभी अंडे आएंगे क्योंकि इसमें भी चिड़िया बैठने लगी हैं। इसमें एक अंडा रखा हुआ है और इसमें हैं चार बच्चे जो कुछ दिनों बाद बाहर निकले आएंगे। अभी ये खाली है और अभी ये भी खाली है। हमने बनाए हैं आज चावल, तो खाते हैं और बताते हैं इसका स्वाद कैसा है। लेकिन उससे पहले नींबू डालते हैं इसमें। Thank you.
रात में बज रहे हैं 12 और प्लान कुछ ऐसा था हमारा कि आज हमको जाना था ग्वालियर के प्रसिद्ध मंदिर खेड़ापति मंदिर, क्योंकि आज थी हनुमान जयंती। लेकिन मेरा एक दोस्त है मनीष, उसके परिवार में कुछ प्रोग्राम था, मुझे अचानक वहीं जाना पड़ा और उसका पूरा प्रोग्राम निपटा कर घर आए। और बाकी बताते हैं उसके जो प्रोग्राम था उस प्रोग्राम की थोड़ी सी झलक। तो ये है मेरे दोस्त का घर, यहाँ प्रोग्राम था और ये मेरा बचपन के दोस्त का घर है। ये जो बैठा है मेरा दोस्त, इसका नाम मुकेश है। आपको बताता हूँ क्या क्या बना हुआ था उधर। पूड़ी बना हुआ था और लड्डू बना हुआ था, पुलाव बना हुआ था, आलू छोले की सब्जी थी, रायता था। उसके प्रोग्राम ख़त्म करके ही हमने खाना खाया। तो सामने बैठा है मेरा दोस्त मनीष, ये मुकेश, और ये हैं उसके जीजा जी। काम यही होता है घर में प्रोग्राम के बाद पत्तले उठाना और उनको फेंकने जाना। ये देखो साहब, है ना, सबसे गंदा काम यही होता है दुनिया का। नहीं होता बे, नहीं होता। हाँ, वो उसमें से सब्जी अब्जी अलग करेगा सुबह के लिए, सुबह के लिए अपने लिए रसगुल्ले चाटेगा। ये देखो साहब, मनीष आए, बोलो मनीष। अबे भाग जा, आज सारा काम आपसे कराए थे, बाकी का ये वाला काम मुझे छोड़ करना चाह रहे थे। एकदम बढ़ेंगे, क्यों बढ़ेंगे, मनीष के चक्कर में बढ़ेंगे। तो ये थे आज के दिन की वीडियो। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। बाकी आज का दिन की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। गुड नाइट।